हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वो किया था WCB टू RB एंड RB टू WCB कन्वर्जन। तो जो आज हम इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो है टॉपिक फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, कि फोर बेयरिंग क्या होती है और बैक बेयरिंग क्या होती है। ठीक है, तो फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। If the bearing of line AB is measured from A, यदि हम कोई लाइन की बेयरिंग किससे मेजर करें A से मेजर करें, किसकी साइड, टूवर्ड्स B, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज फॉरवर्ड बेयरिंग और फोर बेयरिंग। ठीक है, जैसे जैसे सपोजिंग दैट, ठीक है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैं ए से स्टार्ट करूंगा और बी की तरफ यदि मैं कोई एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, मेजरिंग हमेशा नॉर्थ से करनी है। ठीक है, ये मान लो थीटा है कोई एंगल, ठीक है, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, ए से बी की तरफ कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, फोर बेयरिंग, किसके लिए, लाइन ए बी के लिए। ये लाइन ए बी के लिए क्या कहलाएगी, फोर बेयरिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड, इफ द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, अब सेम लाइन की बियरिंग यदि मैं मेजर करूं, और कहां से करूं मैं, बी से स्टार्ट करूं। ठीक है, अब सेम लाइन की बियरिंग मेरे को मेजर करनी है, और मेजरिंग कहां से होगी, हमेशा नॉर्थ से, ध्यान रखने की बात है, नॉर्थ से, ये, ठीक है, ये हो गया मान लो थीटा टू, ये हो गया थीटा वन। ठीक है, यदि मैं सेम लाइन की बियरिंग मेजर कर रहा हूं, कहां से, बी स्टेशन से, पहले कहाँ से करी मैंने, ए स्टेशन से मेजर करी ए बी लाइन की बियरिंग, अब मैं सेम लाइन की बियरिंग कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, बी से। ठीक है, तो अब जो बियरिंग होगी थीटा टू, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये क्या कहलाएगी, इसकी बैक बियरिंग कहलाएगी। ठीक है, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ बियरिंग, तो क्या कहलाएगी, फोर बियरिंग, और यदि मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ सेम लाइन की बियरिंग, देन इट इज़ कॉल्ड बैक बियरिंग, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो और हमको क्या पता लग रहा है यहाँ से, यदि हम एक बार देखना चाहूँ, फोर बेयरिंग क्या हो गई यहाँ पर एक तरीके से डायग्राम में, फोर बेयरिंग क्या हो गई, फोर बेयरिंग इज थीटा वन, बैक बेयरिंग क्या हो गई एक तरीके से मान लो थीटा टू हो गई। अब मेरे को थीटा वन और थीटा टू में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, वो मैं देखना चाहूँगा। देखो, ये जो दो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो मेरिडियन लाइन है, मेरिडियन लाइन, ये दोनों पैरेलल होंगे हमेशा मेरिडियन, तो ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है इतना, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा वन के इक्वल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थीटा वन के इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल, हो जाएगा कि नहीं, ये टोटल क्या है, तो थीटा टू किसके इक्वल हो गया, तो थीटा टू क्या हो गया, ये कितना है, 180 प्लस थीटा वन, तो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा टू इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा वन। तो यदि मैं देखना चाहूँ कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग, ये क्या है, बैक बियरिंग 180, ये कितने, ये क्या है, प्लस फोर बियरिंग, यदि मैं देखना चाहूँ तो क्या होगा, क्या रिलेशन निकल रहा है यहाँ पर, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू 180 प्लस FB, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग will always be equal to the plus minus 180. It is plus minus 180. वो हम देखेंगे कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है, प्लस 180 कब होगा, माइनस 180 कब होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, यदि हमको फोर बेयरिंग गिवन है तो हम बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं, कैसे, या तो प्लस या माइनस करके 180, और यदि हमको बैक बेयरिंग गिवन है तब हम फोर बेयरिंग निकाल सकते हैं, कैसे, वही प्लस माइनस 180 करके। ठीक है, इन QB, अब ये तो हो गई हमारी फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग किसमें, कौन सा सिस्टम में होगी, WCB सिस्टम में बदलने के। ठीक है, ये जो मेथड है ये WCB सिस्टम के लिए, और जो क्वारंटल बेयरिंग सिस्टम है वो बहुत सिंपल है, कैसे, यदि हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग में, कौन सा सिस्टम में, QB सिस्टम में, तो क्या करना है मेरे को, सिंपली N की जगह क्या लिख दूंगा मैं, S लिख दूंगा। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, इन प्लेस ऑफ N मैं क्या लिख दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा S में, और E की जगह क्या लिख दूंगा मैं, W लिख दूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई एग्जांपल लेके देखता हूं, जैसे कोई मेरे को वैल्यू दे रखी है फोर बेयरिंग की, मान लो फोर बेयरिंग दे रखी है मेरे को, एन
थीटा, मेरे को ये दे रखा है, एन थीटा ई दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को बैक बेरिंग में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एन की जगह लिख दूंगा एस, क्योंकि एन और एस आपस में ही 180 पे है, क्योंकि हमको और हमने देखा था डब्ल्यू सी बी में 180 डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा एज इट इज, ई की जगह लिख दूंगा डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एन की जगह एस लिख दूंगा और ई की जगह डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है इन क्यूबिक सिस्टम, इफ आई वॉन्ट टू कैल आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द फोर बेरिंग इन टू बैक बेरिंग, देन वट आई हैव टू डू, आई एम सिंपली कन्वर्ट एन टू एस एंड ई टू डब्ल्यू, ठीक है। मैं एन को एस में कन्वर्ट कर दूंगा और ई को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो एंगल है उनके बीच में उसको एज इट इज, ठीक है, एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, बैक बेरिंग में हो गई, ठीक है। आप देख भी सकते हैं डायग्राम से भी, मेरे को दे रखा है एन टू ई, ये दे रखा है मेरे को थीटा, ठीक है, ये एन टू ई है। अब मैंने क्या लिख दिया इसको, एस टू डब्ल्यू, एस टू डब्ल्यू, ठीक है। ये देखो एंगल थीटा ही आ रहा है, ये भी, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है थीटा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, इसीलिए कन्वर्ट किया है डायरेक्ट एन टू ई, क्योंकि इन दोनों का जो, ये दोनों 180 पे हैं, ये दोनों भी 180 पे हैं, ठीक है, और हमको 180 का डिफरेंस होता है बैक बेरिंग फोर बेरिंग में, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एन को लिख रहा हूँ एस, ई को लिख रहा हूँ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका है, फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग, ये है क्यूबी सिस्टम या आरबी सिस्टम में, ठीक है। तो इस प्रकार से फोर बेरिंग क्या होती है, हमने क्या पढ़ा, इफ कोई लाइन ए बी है, ठीक है, तो ए से बी की तरफ यदि मैं एंगल मेजर करूंगा तो दैट इज नोन एज फोर बेरिंग। यदि सेम लाइन को मैं बी से ए की तरफ मेजर करूंगा उसकी बेरिंग, देन इट इज कॉल्ड बैक बेरिंग, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस 180 होता है, और डब्ल्यू सी बी सिस्टम में बैक बेरिंग इज इक्वल टू एफ बी प्लस माइनस 180, और क्यू बी सिस्टम में यदि वैल्यू दे रखी है तो एन को एस में और ई को डब्ल्यू में चेंज करके भी फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, ठीक है, थीटा ए बी गिवन है कोई, और वो थीटा बी ए गिवन है, ठीक है। तो एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी इज थीटा बी ए, क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, तो क्या हो गया थीटा ए बी, ये क्या कहलाएगी इसकी, फोर बेरिंग। यदि मैं बात कर रहा हूँ ए बी लाइन की, अब मैं बात कर रहा हूँ ओनली ए बी लाइन की, ए बी लाइन के लिए जो थीटा बी ए है, ये ए बी लाइन के लिए ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, बैक बेरिंग ए बी लाइन के लिए। और यदि मैं लाइन उल्टी कर दूं, अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन बी ए, ये तो लाइन बात कर रही थी ए बी की, अब मैं बात कर रहा हूँ फोर लाइन बी ए, अब मैं फोर बेरिंग जो होगी वो बी से स्टार्ट होगी, ठीक है। यदि बी से ए की तरफ मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज नोन एज फोर बेरिंग। यदि मैं लाइन बी ए की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं लाइन ए बी की बात कर रहा था, ए पहले आ रहा है बी बाद में, अब बी पहले ए बाद में, बैक बेरिंग क्या हो जाएगी, थीटा ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ये ओरिएंटेशन और ये भी पता होना चाहिए कि हम ए बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं या बी ए के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से फोर बेरिंग और बैक बेरिंग रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग बैक बेरिंग ये हम देख चुके हैं अभी, ठीक है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री। इफ अब बात करेंगे प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, इफ द फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180, यदि फोर बेरिंग 180 से ज्यादा है, इफ फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180, यदि 180 से ज्यादा है फोर बेरिंग और मेरे को बैक बेरिंग निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस चीज, माइनस साइन यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूज माइनस साइन, इफ एफ बी इज ग्रेटर देन 180, इफ एफ बी इज लेस देन 180 डिग्री देन आई हैव टू यूज प्लस साइन, यदि एफ बी इज लेस देन 180 है तो प्लस साइन यूज करूंगा, ग्रेटर देन माइनस साइन यूज करूंगा। इफ डिफरेंस ऑफ एफ बी एंड बी बी, यदि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं है, इट मीन्स देन एनी ऑफ वन स्टेशन मे बी अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो वहां पर कोई ना कोई एरर होगा और उस एरर को हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब वहां पर कोई ना कोई एरर होगा और कोई ना कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, ठीक है, तो जो बियरिंग लेंगे उस स्टेशन से दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो स्टेशन भी क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन से क्या होगा, अफेक्टेड होगा, तो जो उसकी बियरिंग आएंगी वो क्या आएंगी, इनकरेक्ट बियरिंग आएंगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको करेक्शन लगाना होगा, ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ एफ बी 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 इज इक्वल टू 180, देन बोथ स्टेशन आर फ्री फ्रॉम
लोकल अट्रैक्शन एंड बेयरिंग टेकन फ्रॉम दिस स्टेशन आर करेक्ट बेयरिंग. यदि उनमें 180 एग्जैक्ट डिफरेंस है तो वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो जो बेयरिंग हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज करेक्ट बेयरिंग. तो वो क्या होंगी? करेक्ट बेयरिंग होंगी. ठीक है. इफ एनी ऑफ द स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एरर एंड करेक्शन ऑन ऑल रीडिंग टेकन फ्रॉम दैट स्टेशन विल बी सेम. यदि कोई भी स्टेशन, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से क्या है, अफेक्टेड है. सपोज करो कोई स्टेशन है, कोई स्टेशन है, सपोज करो ये स्टेशन ए है कोई, ठीक है, ये ई है यहाँ पर पॉइंट, इससे ये आगे बियरिंग ली मैंने, ये बी ली. अब यदि ए स्टेशन, जो ए स्टेशन है, ठीक है, वो क्या है, उसमें लोकल अट्रैक्शन है, इसे अफेक्टेड है ये. इफ ए इज अफेक्टेड बाई द लोकल अट्रैक्शन, तो इसमें क्या लिख रहा है, जो एरर लगाएंगे हम, ठीक है, जो एरर लगाएंगे, जो ए बी में एरर लगाएंगे वही किस में लगाएंगे, ए ई में एरर लगाएंगे, करेक्शन लगाएंगे, सॉरी एरर नहीं करेक्शन. ठीक है, या जो भी करेक्शन, मान लो मैंने यहाँ पर ए बी लाइन में करेक्शन लगाया, मान लो 30 सेकंड का प्लस 30 सेकंड का, तो मैं ए ई लाइन में भी क्या लगाऊंगा, प्लस 30 सेकंड का. ठीक है, तो ये कह रहा है यदि कोई भी स्टेशन अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है, तो एरर एंड करेक्शन, तो उस स्टेशन पे से जो भी बियरिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, जिस भी लाइन की, इसमें जैसे दो लाइन निकल रही है यहाँ से, ठीक है, तो उस स्टेशन पे जो लाइंस हैं उनमें चाहे एरर हो चाहे करेक्शन हो, दोनों सेम होंगे. तो यहाँ पर जो करेक्शन, जैसे उसमें 30 सेकंड का लग रहा है, तो इसमें भी कितना का लगेगा, 30 सेकंड का करेक्शन लगेगा. हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. तो ये कह रहा है यदि ऐसे ही मान लो बी है, बी भी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होता, तो इससे मान लो एक लाइन और निकल ली है, तो बी सी में जो करेक्शन लगेगा वही किसमें लगेगा, बी ए में लगेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो डी इज अफेक्टेड देन, सपोजिंग दैट इफ डी इज अफेक्टेड देन करेक्शन इन डी सी इज इक्वल टू करेक्शन इन डी ई. यही कह रहा है, कोई स्टेशन डी है, ये सी है, ये ई है, ये ई, ये सी, तो ये कह रहा है जो करेक्शन सी डी में लगेगा वही किसमें लगेगा, डी ई में लगेगा. जो करेक्शन डी सी में लगेगा वही डी ई में लगेगा. ये ध्यान देने की बात है, स्टेशन पहले आएगा ये डी, ठीक है, डी सी एंड डी ई. ठीक है, तो जो करेक्शन डी सी में लगेगा वही डी ई में लगेगा, इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर भी हमको ये हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल दे रखा है मेरे को, द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन्स ए बी बी सी सी डी डी, इनकी फोर बेयरिंग दे रखी है. अब मेरे को क्या निकालना है, बैक बेयरिंग निकालना है. मैं एक बार इसको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको टेबुलेट फॉर्म में अपन लिख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले है 12 degree 24 minutes. अब ये क्या है, ये क्या दे रखा है मेरे को, ये फोर बेयरिंग दे रखी है, मान लो ये ऑब्जर्व बेयरिंग है. ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, उनकी बैक बेयरिंग निकालना है. अब ये 180 से ज़्यादा है या कम है, हमने पढ़ा इफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 180, इफ एंगल इज लेस देन 180 देन वी हैव टू ऐड 180. तो ये क्या है, इसकी बेयरिंग 180 से कम है, तो इसमें क्या करना होगा, बैक बेयरिंग निकालते टाइम हमको पॉजिटिव साइन यूज करेंगे हम. ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस 180. तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह 180 प्लस 12 डिग्री 24 मिनट्स. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192 डिग्री 24 मिनट्स. ठीक है, तो दैट इज द बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी. तो ये बैक बेयरिंग ऑफ ए बी हो जाएगा. ठीक है, जैसे देखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 192 डिग्री 24 मिनट्स. अब अगली देखते हैं हमने, अगला क्या दे रखा है हमको, फोर बेयरिंग 119 डिग्री 48 मिनट्स दे रखा है. ये क्या दे रखा है हमको, फोर बेयरिंग दे रखा है, डब्ल्यू सी बी सिस्टम में दे रखा है. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज लेस देन 180 डिग्री. ये 180 डिग्री से क्या है, कम है. तो हमने बात करी थी, जब भी फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम होगी तो बैक बेयरिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू यूज पॉजिटिव साइन, इट मीन्स प्लस 180. तो हम इसको 180 ऐड कर देंगे, इसमें 180 ऐड करना है यदि 180 से कम है, और 180 ज़्यादा तो 180 माइनस करना है. तो इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 119 डिग्री 48 मिनट्स, 119 डिग्री 48 मिनट्स प्लस 180. तो यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, प्लस साइन यूज किया, क्योंकि जो दोनों एंगल थे वो 180 से कम थे. अब नेक्स्ट देखो आप, ये 266 डिग्री 30 मिनट्स, ये क्या है, 180 से ज़्यादा है. अब इसकी यदि मेरे को बैक बेयरिंग निकालनी है तो क्या करूँगा मैं,
आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 180, तो माइनस साइन यूज करूंगा मैं वहां पर, ठीक है, तो मैं माइनस कर दूंगा 180, तो मैंने 180 माइनस कर दिया, दैट इज 86 डिग्री 30 मिनट्स आ गई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ डी को, तो ये भी देख के, ये भी क्या है 180 से ज़्यादा है, तो इसमें भी क्या करूँगा मैं माइनस 180 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा सिंपली 174 डिग्री 18 मिनट्स डिग्री। तो इससे हमने क्या समझा कि जब भी हमको फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है, तो यदि फोर बेरिंग 180 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस 180 कर देंगे, और फोर बेरिंग यदि 180 से कम है तो मैं क्या करूँगा उसमें प्लस कर दूंगा, कितना 180 प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डब्ल्यूसीबी सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है वो है, ये है आरबी सिस्टम। ये क्या था, ये डब्ल्यूसीबी था, ये आरबी सिस्टम, और आरबी तो हमको आपको पता ही, सबसे सिंपल है आरबी। आरबी में क्या करूँगा सिंपली इनको चेंज कर दूंगा बस, जहाँ एन है वहाँ क्या लिख दूंगा एस लिख दूंगा, जहाँ ई लिखूंगा, जहाँ है ई है वहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो आप सिंपली एन की जगह एस और ई की जगह डब्ल्यू लिख दिया मैंने, सिंपली इसमें एस की जगह मैंने लिख दिया एन लिख दिया, ई की जगह डब्ल्यू लिख दिया, एंगल एज इट इज है। इसी प्रकार से इनमें मैं एस की जगह एन, डब्ल्यू की जगह ई, एन की जगह एस, डब्ल्यू की जगह ई, और एंगल एज इट इज। तो ये है तरीका फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट करने का, वेदर इट इज डब्ल्यूसीबी सिस्टम और आरबी सिस्टम। ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन जनरली जो आरटीयू के एग्जाम होंगे उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग एंड इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, ठीक है, इनको बोलते हैं कोई भी एंगल मेजर करना, और इंक्लूडेड एंगल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेरिंग्स, तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। कि कोई भी एक मैंने सबसे पहले मेरिडियन ले लिया, ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये अज्यूम प्री अज्यूम्ड है कि ये नॉर्थ ही होगा हमेशा, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई पॉइंट बी है, ये ए बी लाइन है, ठीक है, इसकी मैंने बियरिंग कैलकुलेट करी, डब्ल्यू सी बी सिस्टम में कर रहा हूँ मैं ये काम, ही ध्यान रखने को, थीटा वन करी मैंने, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट सी है या ये कोई लाइन ए सी लाइन है, ठीक है, इसकी जो बियरिंग है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम नॉर्थ, ये कितना है थीटा टू, ये कितना है थीटा वन, ठीक है। अब मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो करना है ये एंगल, दैट इज इंक्लूडेड एंगल, ये क्या है इन दोनों के बीच का है। इस वाले केस में वेरी सिंपल है कि यदि मैं टोटल में से ये माइनस कर दूँ थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो आ जाएगा ये थीटा टू माइनस थीटा वन, तो ये आ जाएगा इजीली। तो देखो आप अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इस केस में क्या है थीटा टू माइनस थीटा वन किया मैंने, तो क्या किसकी वैल्यू मिल गई इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, अब एक केस और लेते हैं हम आगे नेक्स्ट, जो कि जनरली हमारे आगे वही काम आएगा। ये कोई लाइन ए बी है, ठीक है, इसकी जो बियरिंग है दैट इज थीटा वन, ए बी लाइन की बियरिंग है थीटा वन। उसके बाद अब हमने कोई पॉइंट लिया सी पॉइंट या बी सी लाइन ली, उसकी बेरिंग गिवन है, वो कितनी गिवन है थीटा टू गिवन है, ठीक है। अब ये इंक्लूडेड एंगल है दैट इज अल्फा, अब ये इंक्लूडेड एंगल है दैट इज अल्फा, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे को ये अल्फा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो आपको पता है कि ये वाला एंगल ये कितना होगा टोटल, एक तरीके से कितना होगा, कितना होगा ये बता सकता है कोई, तो देखो हम ही बताएंगे, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, इस एंगल की बात चल रही थी। यदि मैं इसकी बात करूँ इतना एंगल, तो ये कितना होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है दैट इज थीटा वन, ठीक है, ये थीटा वन हो गया इतना, और ये टोटल कितना है, ये 180 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा वन, कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा वन, ये हो जाएगा। और यदि 180 प्लस थीटा वन में से मैं ये माइनस कर दूँ इतना थीटा टू, यदि 180 प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस कर दूँ, तो ये क्या दे देगा मेरे को, अल्फा दे देगा, ये इंक्लूडेड एंगल दे देगा ये अल्फा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ये पूरा एंगल कैलकुलेट किया, वो कैसे किया, मेरे को पता है ये दोनों मेरिडियन है पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इतना कितना होगा थीटा वन होगा, ये कितना है 180 है, तो टोटल कितना हो गया 180 प्लस थीटा वन। और यदि इस पूरे में से मैं, ठीक है,
ये माइनस कर दूँ मैं थीटा टू, तो क्या जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आप ये टोटल कितना है 180 प्लस थीटा वन, ये देखो आप। ठीक है, आप डायग्राम में इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो टोटल 180 प्लस थीटा वन है, ये इतना कितना है, ये थीटा टू है, ये 180 प्लस थीटा वन। यदि इस टोटल में से, इस टोटल में से यदि मैं ये इतना इतना माइनस कर दूँ ओनली, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा। ठीक है, ये 180 प्लस थीटा वन कैसे आया, ये हमने देख ही लिया कि ये जो मेरिडियन है पैरेलल है, तो ये इतना इतना एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होगा, थीटा वन होगा, और ये कितना है 180 प्लस थीटा वन इसलिए आया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू। और ये 180 प्लस थीटा वन क्या है, हमको पता है जो थीटा वन है ये क्या है, 180 से कम एंगल है। ठीक है, तो इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, बैक बेयरिंग क्या होती है, यदि मैं ए बी लाइन की, ठीक है, बेयरिंग मेजर करूँ फ्रॉम बी, तो वही कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या है एक तरीके से, ये बैक बेयरिंग होगी। ठीक है, ये क्या है, बैक बेयरिंग, यही होती है बैक बेयरिंग। बैक बेयरिंग क्या होती है, सेम लाइन जो बेयरिंग है सेम लाइन की वो मेजर करूँ मैं सेकंड स्टेशन से फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, ये फोर बेयरिंग हो गई लाइन ए बी की, और ये क्या होगी, बैक बेयरिंग होगी लाइन ए बी की। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, और ये क्या है, ये फोर बेयरिंग लाइन किसकी, बी सी लाइन की फोर बेयरिंग है थीटा टू, ये फोर बेयरिंग ऑफ बी सी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगा, यदि मेरे को एंगल बी निकालना है, ये एंगल, इस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, और एंगल बी निकालना है। ठीक है, तो मेरे को क्या याद रखना है हमेशा, जो लाइन, जो ये ए बी लाइन है, ठीक है, इसकी क्या, बैक बेयरिंग, और जो ये आगे वाली लाइन है बी के जो जस्ट आगे है उस लाइन की, तो माइनस करनी है मेरे को फोर बेयरिंग, और इसके जस्ट पीछे जो लाइन है ए बी लाइन उसकी क्या हमेशा, बैक बेयरिंग। जैसे कोई पॉइंट है, मान लो ये डी है, ये ई है, ये सी है, तो हमेशा जब मैं ये एंगल निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे निकालूंगा, हमेशा इससे जस्ट पहले कौन सी लाइन है, सी डी लाइन है, क्या लाइन है, सी डी लाइन है। ठीक है, तो सी डी लाइन की क्या निकालूंगा मैं, फोर बैक बेयरिंग, सी डी की बैक बेयरिंग और इसकी फोर बेयरिंग, और क्या कह सकता हूँ इसको मैं, जो सी डी की बैक बेयरिंग होगी वो एक तरीके से डी सी की क्या होगी, फोर बेयरिंग होगी। तो मेरे को एक तरीके से क्या निकालना है, डी सी एंगल निकालना है, डी सी बेयरिंग निकालनी है। ठीक है, तो वो भी मैं उसको कह सकता हूँ, तो कह सकता हूँ बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो ये इसके क्या है, जैसे बी की बात करूँ मैं, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये भी मैं बोल सकता हूँ, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन जो कि क्या है, ए बी है, और फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन जो कि बी सी है। ठीक है, तो किस भी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तीन तरीके समझा दिया मैंने, कोई सा भी तरीका जो आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट सेम ही होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इंक्लूडेड एंगल, क्या हुआ, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, या बैक बेयरिंग ऑफ लाइन जैसे इस केस में ए बी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ बी सी, तो ये हमको याद रखना है, या हम डायग्राम से भी समझा सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि डायग्राम से कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, और यदि जल्दी करना है तो फॉर्मूला याद रखो, उससे भी कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी होगी। और सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 होगा n की वैल्यू, यहाँ 5 होगी। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस, कितने स्टेशंस हैं हमारे, जो भी ट्रेवर्स हैं, हम जो भी लूप ले रहे हैं उसमें कितने स्टेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं। ठीक है, फोर बेयरिंग हम पढ़ लिए, बैक बेयरिंग हमने पढ़ी ली, अब इंक्लूडेड एंगल भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, द फॉलोइंग बेयरिंग्स वाज ऑब्जर्व विद अ कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। अब मेरे को कोई बेयरिंग्स दे रखी है अलग अलग लाइन की। ठीक है, कोई ये ट्रेवर्स है एक, ठीक है, वो ऑब्जर्व किया है हमने, तो उसकी मेरे को बेयरिंग दे रखी है, इनकी हेल्प से मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स, मेरे को इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी इंक्लूडेड एंगल की बात आएगी, सबसे पहले हम हर लाइन की बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग निकालें। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सर्वे है उसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 80% चीज़ तो डायग्राम से ही हमको समझ में आ जाती है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने हमको दे रखी है लाइन ए बी,
तो ए बी लाइन की जो बेरिंग दे रखी है वो दे रखी है 60 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ए बी लाइन की बेरिंग कितनी दे रखी है, 60 डिग्री 30 मिनट्स दे रखी है ये, ठीक है। ए बी लाइन की बेरिंग है, अब हमको दे रखी है बी सी लाइन की बेरिंग दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो हम देख सकते हैं 122 डिग्री 0 मिनट्स। 122 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये यहाँ पर गई है वैल्यू। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, इसलिए इसमें गई है फर्स्ट में। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये हो गया सी पॉइंट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट सी डी लाइन ले रहे हैं। सी डी लाइन की जो वैल्यू गिवन है वो दी हुई है हमको 46 डिग्री 0 मिनट। इट मीन्स ये भी किस में दे रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखी है, ठीक है। तो इसको भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ किया है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो डायग्राम बनाना हमको आना चाहिए। स्टार्टिंग ऐसे करनी है, सबसे पहले हमको नॉर्थ से स्टार्ट करनी है। थीटा वन दे रखा है हमको, बेरिंग फर्स्ट लाइन की दे रखी है ए बी की, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद बी सी की दे रखी है, कितनी दे रखी है बी सी की, ये लाइन हमेशा बनानी है, मेरिडियन लाइन हमेशा। उसके बाद फ्रॉम नॉर्थ से कैलकुलेट करनी है, 122 डिग्री दे रखी है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर हमको दे रखी है, ठीक है, किसकी, सी डी की दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 46 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखी है मेरे को लाइन डी की वैल्यू दे रखी है। डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आप देख सकते हैं। डी की वैल्यू गिवन है 205 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया मैंने इसको। नेक्स्ट जो मेरे को वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 300 डिग्री 0 मिनट। 300 270 से बड़ा है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसको, इसमें हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा क्लोज लूप है या ओपन है, ठीक है। तो यदि नहीं दिया हो तो इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है। और डायरेक्शन भी हमको फिक्स करनी होगी, क्लॉकवाइज लूप है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कौन सा है, हम इस तरीके से गए हैं, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज लूप है एक तरीके से, ठीक है। कौन सा लूप है, क्लॉकवाइज लूप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, बेयरिंग दे रखी है, फोर बेयरिंग, उसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, एक ये ट्रेवर्स बना लिया, ठीक है। ये क्लोज ट्रेवर्स है एक तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है, मतलब ये इंक्लूडेड एंगल सारे, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड एंगल हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच में एंगल, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल निकल, ठीक है। तो ये लाइन, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको सारे एंगल मेजर करने हैं। तो कैसे करेंगे मेजर, दो तरीके हैं, या तो हम डायग्राम से निकाल लें, और या हम किससे निकाल लें, फॉर्मूले से निकाल लें, ठीक है। तो सर थोड़ा हम डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ए, तो मैं कैसे निकालूंगा एंगल, एंगल ए ये है, ठीक है, ये एंगल है। इसका मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको, ठीक है, जनरली वो भी हम यूज करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए निकालना है, एंगल ए कैसे निकालूंगा मैं, यदि मेरे को ये पूरा एंगल मिल जाए यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, ए ई, कौन सा है ये, ए ई, ये ए ई लाइन है, ठीक है। तो ए ई की बेयरिंग है, किसकी है, ए ई की बेयरिंग है, जबकि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई ए दे रखा है। तो ए ई क्या कहलाएगी, बैक बेयरिंग ऑफ ई ए, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, डी ई, ई ई, ये दे रखा है, ठीक है, ये लाइन दे रखी है हमको, ठीक है। तो हमको यदि ये वाली बेयरिंग मिल जाए ए ई की, मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड पे ध्यान रखना, ए ई की बेयरिंग मिल जाए, ए ई क्या है, ई ए की बैक बेयरिंग है ए ई, तो ई ए की, ई ए दे रखी है हमको क्या, ये, तो ई ए की बैक बेयरिंग क्या है, ए ई है। तो कितनी होगी इसकी बैक बेयरिंग, 120, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और यदि 120 डिग्री में से मैं ये माइनस कर दूँ तो ये क्या बचेगा यहाँ, 59 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन कौन सी है, ई ए, और फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ए बी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज़ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के ट्राई करेंगे, मैंने ये इसीलिए बताया कि फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वही किया है यहाँ पर भी एक तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव हुआ है। मैंने आपको ये बताया ये वैल्यू कौन सी है, वो है
इसकी बैक बेयरिंग है, तो फॉर्मूला वही हो गया, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ए से पहले कौन सी लाइन है, ई ए, तो ई ए की बैक बेयरिंग, इसके बाद कौन सी लाइन है, ए बी, और ए बी की फोर बेयरिंग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था वहाँ पर हम यूज करेंगे। देखो ये बैक बेयरिंग से, ये फोर बेयरिंग से मैंने बैक बेयरिंग निकाल ली हर लाइन की, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमको, फोर बेयरिंग, ये बेयरिंग्स दे रखी हैं। अब यदि ये बैक बेयरिंग बोलूँगा मैं इनको, तो इनको कैसे बोलूँगा मैं, बी ए, सी बी, डी सी, ई डी, ए ई, रिवर्स कर दूंगा इनका, ठीक है। इनका जो मैं सीक्वेंस है वो रिवर्स कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा ए को बी से, ठीक है, बी सी को आपस में, डी सी को आपस में, ई डी को आपस में, और ए ई को आपस में मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैक बेयरिंग हो गई। तो बैक बेयरिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, बैक बेयरिंग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, ये देखो बैक बेयरिंग कैसे निकाली, ये कितना था, 180 से कम, 180 ऐड कर दिया मैंने, ये 180 से कम, यहाँ पे 180 ऐड कर दिया इसमें, प्लस 180 हो जाएगा, यहाँ प्लस 180 हो जाएगा बैक बेयरिंग के लिए, ये कितना है, यहाँ पे प्लस 180 हो जाएगा, यहाँ क्या कितना होगा, यहाँ माइनस 180 हो जाएगा, यहाँ माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी 180 से कम है उनमें प्लस 180 करेंगे, 180 से ज़्यादा तो माइनस 180 करके हमने क्या निकाल लिया, बैक बेयरिंग निकाल लिए। क्यों, क्योंकि ये बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग हमारे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इंटरनल एंगल का, तो वहाँ पर ये यूज़ आएगी, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो देखो बैक बेयरिंग जब ए की बात कर रहे हैं हम, जैसे आप ए की बात कर रहे हैं, हम ए की बात चल रही है, ए से पहले क्या था, ये क्लॉकवाइज लूप है, ए से पहले क्या है, ई है, यहाँ ये ए है, यहाँ ये क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब बैक बेयरिंग ऑफ ई ए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लूप है, तो ये लाइन कौन सी है, लास्ट लाइन ई ए लाइन है, ठीक है। तो ई ए लाइन की बैक बेयरिंग क्या होगी, ए, ठीक है। फोर बेयरिंग क्या होगी, ई ए, तो बैक बेयरिंग क्या होगी, ए, ठीक है। तो क्या हो गया, ए माइनस ए बी, और इसकी जो फोर बेयरिंग है वो तो ए बी होगी, ठीक है। तो इसकी जो बैक बेयरिंग है ई ए लाइन की वो क्या होगी, ए, वो कितनी होगी, वो ये होगी, और हमने बैक बेयरिंग अभी टेबल में निकाली ली है, दैट इज़ 120 डिग्री। तो कितना है, 120 डिग्री 0 मिनट माइनस 60 डिग्री 30 मिनट्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायग्राम से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं फॉर्मूले, इसीलिए डायग्राम, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना के हम बनाना ज़रूर है, लेकिन जो कैलकुलेट करेंगे जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंगल ए। नेक्स्ट है एंगल बी। एंगल बी क्या है, अब आप देखो जो बी है उससे पहले क्या है, लाइन ए बी, तो बी से पहले कौन सी लाइन है, ए बी, तो ए बी लाइन की बैक बेयरिंग क्या होगी, बी ए, ए बी लाइन की बैक बेयरिंग क्या होगी, बी ए, और नेक्स्ट लाइन की फोर बेयरिंग, इसका मतलब बी सी, तो बी ए माइनस बी सी, तो क्या करूँगा, बी ए माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 118 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि जो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग हमने पीछे टेबल में कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट एंगल सी। अब एंगल सी की बात है, सी से पहले क्या है, सी से पहले क्या है, बी है, सी के बाद क्या है, डी है, यहाँ ठीक है, सी के बाद क्या है, डी है। तो जो प्रीवियस लाइन है उसकी बैक बेयरिंग, ठीक है, तो लाइन कौन सी है, बी सी, तो उसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, सी बी। तो अब क्या होगा, सी बी, सी बी माइनस सी डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो क्या हो गया, 302 डिग्री 0 मिनट माइनस 46 डिग्री 0 मिनट, तो यहाँ से आंसर आया 256 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया एंगल सी। नेक्स्ट है एंगल डी। एंगल डी क्या होगा, प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, सी डी, नेक्स्ट लाइन क्या होगी, डी, तो वहाँ से क्या होगा, डी सी माइनस डी हो जाएगा, तो वहाँ से कितनी आ गया, 20 डिग्री 30 मिनट्स आ गए। इसी प्रकार से एंगल ई, तो ई की प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, ई की प्रीवियस लाइन कौन सी है, डी ई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा बैक बेयरिंग, डी ई की, डी ई की बैक बेयरिंग ई डी माइनस ई ए, तो यहाँ से मैं निकालूंगा, तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो आया नेगेटिव आया, ये एंगल नेगेटिव आया यहाँ, यदि मैं इसमें से माइनस करता हूँ, ई डी में से ई ए माइनस किया तो क्या आया, नेगेटिव आया। जब भी एंगल, जब भी माइनस आएगा, नेगेटिव आएगी वैल्यू इंटरनल एंगल की, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस 360 कर दूंगा उसमें, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। जब भी मेरी इंटरनल एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी,
जब भी नेगेटिव आएगी तो क्या करूँगा, प्लस 360 करूँगा। और यदि ये तो यार जब नेगेटिव एंगल आएगा, जीरो से कम आया, यदि 360 से ज़्यादा जब एंगल आएगा, यदि एंगल थीटा 360 से ज़्यादा इंटरनल एंगल, तो क्या करूँगा मैं, माइनस 360 कर दूँगा। ये जान देने की बात है, ये भी चीज़ याद रखनी है हमको, जब भी इंक्लूडेड एंगल नेगेटिव आया तो प्लस 360 करूँगा, और यदि 360 से ज़्यादा आया तो माइनस 360 कर दूँगा मैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमको। तो एंगल कितना है, 85 डिग्री 30 मिनट्स। अब इन सब का सम कितना होना चाहिए, इन सब का सम होना चाहिए कितना, 2n-4 × 90, दैट इज़ 540 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐड करके देख सकते हैं 540 डिग्री ही आ रहा है। अब यदि इस तरीके से फॉर्मूले नहीं लिखने मेरे को, एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे, और मेरे को डायरेक्ट यदि इनको याद करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, तो कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले हम ए बी सी डी लिख लेंगे, ए बी सी बी सी डी ई ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई लिख लिया सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, ए से पहले क्या है, ए से पहले क्या है ई, ए के बाद क्या है बी, माइनस बीच में, बी से पहले क्या है ए, बी के बाद क्या है सी, माइनस सी के पहले क्या है, सी के पहले बी, सी के बाद डी, ई ए बी सी डी, बी सी डी ई ए। ठीक है, तो यदि फॉर्मूले मेरे को याद भी नहीं है तो मैं ये ट्रिक यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को जितने भी मेरे इंक्लूडेड एंगल है, जितने भी मेरे इंक्लूडेड एंगल हैं उनको मैं लिखूंगा पहले एक। ठीक है, ए बी सी डी जितने भी स्टेशन है पहले उनको लिखूंगा मैं, उसके बाद उसके पहले क्या है, ए के पहले ई है तो ई लिख दिया, ए के बाद क्या है बी लिख दिया, बी के पहले ए है, ठीक है ए लिख दिया, बी के बाद सी है सी लिख दिया, सी के पहले बी है बी लिख दिया, सी के बाद डी है डी लिख दिया, डी के पहले सी है डी के बाद ई है, ई के पहले डी है ई के बाद ई है। ठीक है, तो यदि मैं इनकी जगह यदि ये भी याद करूँगा तो भी सफिशियंट है। ठीक है, तो इसको याद करने में हार्डली टाइम ही नहीं लगेगा, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको, तो सिंपली हमको जो भी इंटरनल एंगल दे रखे हैं हम उनको लिखेंगे सीक्वेंस में, और जो मैंने ट्रिक बताई उसको फॉलो करेंगे, और इनकी वैल्यू हमने टेबल वेट फॉर्म में कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो यही दे रखा है, ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, बी ए माइनस बी सी, सी बी माइनस सी डी, देखो यही वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, टू मेमोराइज द, टू कैलकुलेट द इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल के लिए ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं।